अच्छी हो रही है ना बाइसेप्स सारे ट्राइसेप्स भी निकल रहे हैं यार सेक्सी हाय नमस्ते मेरा नाम लकी है और मैं फीमेल टू मेल ट्रांजिशन प्रोसेस में हूँ पीछे चला जाता हूँ हाँ तो आज बेसिकली बहुत क्विक वीडियो का ये क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आज एक शेयर करने वाला हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ तो मैंने जनवरी फरवरी मार्च मिड मार्च से मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया वैसे तो मैं घर पे होम वर्कआउट करता था बट रिसेंटली मैंने जिम ज्वाइन किया तो ज़्यादातर वहाँ पे मेल्स लोग हैं तो बाद में मुझे पता चला कि यूनिसेक्स है लड़की लड़कियाँ और लड़के एक साथ करते हैं बट लड़कियाँ है ही नहीं एक दो है बट वो मुझे कभी दिखती नहीं है मैं जब करता हूँ तो पहले तो मैंने मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया तो वहाँ पे लड़के होते हैं लड़कियाँ होती नहीं है बाद में मैंने सोचा इवनिंग में लड़कियाँ होती है तो मैंने इवनिंग का अभी रूटीन कर रहा हूँ इवनिंग का वहाँ पर भी लड़कियाँ नहीं है ऐसे नहीं थड़की नहीं हूँ ना थड़की नहीं हूँ कि मुझे देखना है मतलब इफ़ अगर लड़कियाँ होने से मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाता मतलब एटलीस्ट हाँ कोई तो है ये वाली तो अजीब सी लग रही है ये एक्चुअली नेट है छोड़ो फाइन कोई नहीं वैसे मेरा वन मंथ नहीं होने वाला है वन मंथ हुआ नहीं अभी तक जिम में थ्री फोर वीक्स ही हुआ है जो लीड पुल अप से तो मैं आज कर रहा था तो अच्छा उसके पहले मैं बता देता हूँ कि जब मैं जिम में कैसे जाता हूँ तो मैं ऐसा तो स्लीवलेस पहन के तो वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरी टॉप सर्जरी नहीं हुई नहीं तो आराम से शर्टलेस हो गया था शर्टलेस वो दिन मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं शर्टलेस होकर घूमूंगा तो ये मत समझना कि मैं जिम में जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने स्लीवलेस पहनी है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग चेस्ट को मतलब हम चेस्ट को थोड़ा प्रफुला देते हैं तो तभी हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना चेस्ट वर्कआउट हो या जो भी वर्कआउट हो तो आज लीड पुल अप था तो एक लड़का जो है और ना कुछ कुछ जिम में ना कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे सही तरीके से बॉडी तो हो जाते हैं बट अकल में ना मतलब अकल जो है ना वो होती नहीं है फूले फूले बॉडी होते हैं अंदर से खोखले होते हैं वैसे टाइप तो मुझे दिख गए आज तो एनीवे एक बंदा था तो उसने मुझे पूछा वो भी सामने रुका हुआ था उसका भी लेट पुल अप वाला ही था ये वाला रूटीन तो उसने बोला कि मैं कर लिया उसके उसने बोला मुझे करना है तो वो कर रहा था मैं साइड में बैठा हुआ तो उसने बोला कि तुम कहाँ से हो मैंने बोला मैं पास से ही हूँ तो उसने बोला कि एक क्वेश्चन पूछूँ तुमसे तुम खराब मत पाओ मैंने बोला ठीक है तो उसने पूछा कि तुम्हारे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या तो मुझे पता चल गया था क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्रा बा स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जाता हूँ पता नहीं क्यों पता है वो पहनने से ना मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सकता मैं मतलब ये वर्कआउट नहीं कर सकता कुछ सांस मतलब फूला फूला जैसा लगता है मतलब ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में इसलिए मैं क्या करता हूँ ऐसा स्लीवलेस कुछ भी हो पहन लेता हूँ उसके ऊपर मैं जैकेट नहीं तो कुछ एक स्वेटर नहीं जैकेट वगैरह चेन वाला वो पहन लेता हूँ तो भाई आई थिंक उसने वो देख लिया क्योंकि जब पुल अप करने वो थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा ना चेस्ट को उसने देख लिया होगा तो मैं उसको बोलने तो मैंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है बोल के इतनी ऑकवर्ड मोमेंट आ जाती है जिम में यार मैं तो लास्ट दो साल से ट्राई कर रहा था कि जिम ज्वाइन करूँ तो मैं कोई फ्रेंडली जिम कोई ढूंढ रहा था पता है बट मिला ही नहीं तो सामने में जिम है बोल के मैं गया ज्वाइन किया तो आई नो वैसे भी दिक्कत होने वाली है ट्रांस पर्सन की यही बात है कि यार जिम करना चाहो तभी भी नहीं कर सकते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो तुमको तुम जो हो तुमको घूरते रहते हैं घूरना भी अच्छी बात है बट उन लोग ऐसे घूरते हैं ऐसे जगह में देखते हैं ना मतलब अगर आप कुछ लिफ्टिंग भी कर रहे हो ना वो मतलब वो भी हेवी लगती है अगर आप 2 kg का भी लिफ्टिंग कर रहे हो ना वो भी हेवी लगती है अगर कोई देख रहा होता है फनी भी था एंड वही वियर्ड ट्रांस पर्सन का वही इशू है यार जिम करना चाहते हो तो आप जिम नहीं कर सकते चूतिये ने खा ली है ये वाली चीज़ कटवा लो भगवान आई विश के कोई एंजल आ जाता परिंदा वो बोलता कि बालक तुम्हें क्या चाहिए तो मैं बोलता ये कटवा लो वो लगवा दो नीचे वाली और कुछ नहीं चाहिए चलो ओके भाई गुड नाइट मैं अभी सोने वाला हूँ वैसे भी रात बहुत हो गई है बाय सिया टेक केयर